हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज मैं बताऊंगी कि हम लोग कैसे बच्चों को 2 डिजिट्स के नंबर या फिर 3 डिजिट्स के नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखा सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से लर्न कर सके कि कैसे उनको लिखा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म में या फिर शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दिया हुआ है नंबर 27, ओके, तो 27 ये 2 डिजिट नंबर होगा, तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये बच्चों को हम कैसे समझाएं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हम इसे शुरू से स्टार्ट करने के लिए कहेंगे बच्चों को, तो स्टार्ट में 2 है, तो 2 के बाद हम देखिए नंबर एक ही है जो कि 7 है, ठीक है। तो नंबर एक यानी 10 हो जाएगा, 7 है जो कि एक ही नंबर है 2 के बाद, तो 10 हो जाएगा, इसका मतलब 20 हो गया। और प्लस फिर 7 लिख देंगे, क्योंकि 7 के बाद तो कोई नंबर है नहीं कि 0 बैठाएंगे, तो ये 20 + 7 ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। लेकिन हमें ये भी समझाना होगा कि वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है। तो वंस यहाँ पर हो जाएगा 7, जो राइट की तरफ होगा, ठीक है, जो राइट की तरफ हो उसे हम वंस कहेंगे, और उसके जो बगल में लेफ्ट की तरफ जो होगा वो टेंस कहलाएगा। तो यहाँ 7 वंस हो गया, 2 टेंस हो गया। तो इस तरह से बच्चों को हम समझाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म और वंस और टेंस के साथ। अब कभी आता है नंबर नेम भी इसका लिखने के लिए, तो हम लिख देंगे 27, TWENTY 20 और SEVEN 7। अब देखिए, अब दूसरा नंबर लेते हैं 32, तो 32 में भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 के बाद एक ही नंबर है 2 है, तो एक ही 0 बैठेगा, 30 और प्लस 2, क्योंकि 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, और ये 2 हो जाएगा हमारा वंस, और 3 जो है टेंस हो जाएगा, टेंस है इसीलिए 30 हुआ है, ओके। अब चलिए 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, तो नंबर है 261, ठीक है। तो अब हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो देखिए 2 के बाद 2 नंबर है, 61 है, यानी 2 जीरो बैठेगा, तो 200 हो गया, प्लस 6 के बाद एक ही जीरो है, एक ही नंबर है जो कि 1 है, एक ही नंबर है, तो एक ही जीरो बैठेगा, यानी कि 60 हो गया, और अब केवल 1 है, तो 1 के बाद तो कोई नंबर है नहीं, तो इसलिए 0 नहीं बैठेगा, ये वंस में आ गया। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसका भी हमें नंबर नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 261। अब देखिए 261 को वंस टेंस में कैसे हम डिवाइड करते हैं, देखिए ये 1 हो गया, वंस हो गया, ठीक है, 1 हमारा वंस में आ गया, 6 हमारा टेंस में आ गया, ठीक है, 261 में वंस 1 हो गया, 6 टेंस हो गया, और 200 हो गया, 200 पे आ गया। अब चलिए एक और नया डिजिट लेते हैं 3 नंबर का, तो ये 406 है, ठीक है, 406 है, यहाँ ये है कि बीच में 0 है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए 4 के बाद तो 00 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक है, तो चलिए ये 4 तो 00 हो गया, 400 हो गया, लेकिन अब यहाँ तो 0 है, तो 0 तो है, तो क्या हुआ है, तो वो टेंस में, तो यानी कि 20 बैठ जाएगा, क्योंकि 0 के बाद 6 एक अंक है, तो 0 के बाद 0 बैठेगा, और प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 के बाद तो कोई नंबर है नहीं, तो ये 6 हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम इस तरह से लिख देंगे 400 + 00 + 6, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 406 का। चलिए हम सीखेंगे शॉर्ट फॉर्म कैसे समझाएंगे बच्चे को, तो इसका हमें शॉर्ट फॉर्म बनाना है 20 + 8 का। तो 8 वंस में है, तो हम यहाँ वंस से शुरुआत करेंगे, यानी 8 से शुरुआत करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते थे हम लोग, टेंस से शुरुआत करते थे, यानी जो शुरू वाला नंबर होता था उससे शुरू करते थे, पर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वंस से शुरू करेंगे, यानी इसमें हमने 8 लिख लिया, ठीक है, तो अब यह 2020 है, तो 8 तो यहाँ वंस में हो गया, अब 0 है, तो 0 है तो इसका मतलब ये टेंस में हो जाएगा, ठीक है, 0 के कारण ये टेंस में हो गया, तो ये हो गया 28, ओके। अब जैसे हम 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, 300 है प्लस 2020 + 8 है, तो यहाँ भी हम वंस से ही शुरू करेंगे, तो 8 लिख देंगे, पहले तो हम 8 लिखेंगे, ओके, अब यहाँ 10 है, इसका मतलब वो टेंस में आ जाएगा, तो 2 लिख देंगे, ये 00 है, इसका मतलब ये 100s में आ जाएगा, तो 3 लिख देंगे। अब एक और 0 अगर होता, 3 अगर होता, तो हम 1000 में भी लिख देते हैं, पर यहाँ 20 इसलिए 100 में लिखेंगे, तो इसका इस तरह से शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 300
प्लस डबल ज़ीरो, देखिए यहाँ पर डबल ज़ीरो है, प्लस टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टू है वंस में, तो टू तो हम पहले लिख देंगे। अब यहाँ है डबल ज़ीरो, एक्चुअली किसी नंबर जैसे वन टू के साथ जो जीरो लगता है वो है, लेकिन उसके स्थान पे यहाँ पर जीरो है जिसे डबल ज़ीरो हो गया है, तो इसीलिए टेंस में रखेंगे हम जीरो, और यहाँ नंबर के साथ यानी सॉरी थ्री के साथ डबल ज़ीरो है, तो इसलिए ये हंड्रेड हो जाएगा थ्री, ओके थ्री हंड्रेड हो जाएगा। यहाँ डबल ज़ीरो है तो ये टेंस में हो जाएगा एक ज़ीरो, तो इस तरह से थ्री हंड्रेड टू जो है वो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा जब ये वीडियो देखेंगे, और आप भी उन्हें अच्छे से समझा पाएंगे, और बहुत खुशी मिलेगी जब मेरे कुछ हेल्प से आपको लर्न कराने में, बच्चों को समझाने में मदद मिलेगी। तो ओके, फिर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि नीचे दिया हुआ है रेड कलर में, उस बटन को आपको प्रेस करना है और फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।